महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन सरकार की पहली परीक्षा हुई और पहली ही परीक्षा में यह गठबंधन फेल हो गया। 16 जिलों की 608 सीटों पर हुए ग्राम पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को महाविकास अघाड़ी के हाथ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो क्या आए परिणाम जिसने बढ़ा दी है शिंदे गुट की चिंता, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना के विभाजन का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कभी राज्य में मजबूत पार्टी रही, अब कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन शिवसेना की फूट का फायदा बीजेपी को भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने साफ कर दिया है कि अभी भी राज्य में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ही उसकी पहली पसंद है और ये ग्राम पंचायत चुनावों के परिणाम में भी सामने आया है। राज्य की 608 ग्राम पंचायत सीटों के लिए हुए चुनाव की आज गिनती हुई और अब तक घोषित 495 सीटों के परिणामों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी गठबंधन को पीछे छोड़ दिया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 223 सीटों पर जीत मिली है तो बीजेपी का गठबंधन सिर्फ 184 सीटें ही जीत पाया है। निर्दलीय और अन्य के हिस्से में 88 सीटें आती दिख रही हैं। चुनाव परिणाम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती जरूर दिख रही है, लेकिन एनसीपी भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। अब तक घोषित चुनाव परिणामों में बीजेपी को 143, शिंदे गुट को 41 सीटें मिली हैं, जबकि एमवीए गठबंधन में एनसीपी को 127, कांग्रेस को 59 और उद्धव ठाकरे गुट को 37 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव परिणाम से साफ है कि अगर शिवसेना के दोनों गुट मिलकर चुनाव लड़ते तो उन्हें फायदा होता। अलग अलग चुनाव लड़ने का दोनों को ही नुकसान हुआ है। दूसरी ओर एनसीपी ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी मजबूती को एक बार फिर से साबित कर दिया है। चुनाव नतीजों के बाद साफ हो गया है कि शिवसेना को तोड़कर बीजेपी भले ही सत्ता में आ गई हो, लेकिन राज्य की जनता अभी भी एनवीए गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।